नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं वंशिका। धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल की 18 जून यानी कि कल शादी है। हाल ही में करण देओल की रोका सेरेमनी भी हुई थी और उसके साथ साथ कल उनकी संगीत सेरेमनी भी थी। उसमें ना तो धर्मेंद्र नजर आए और ना ही हेमा मालिनी, जो कि ऑब्वियसली बात है सोचने वाला टॉपिक था। बिकॉज रिश्ते में अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र करण देओल के दादा लगते हैं और उनकी भले ही सेकेंड वाइफ हो धर्मेंद्र की हेमा मालिनी जी, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी उनकी दादी लगती हैं, राइट। फिर भी इस शुभ मौके पर इन दोनों का नाम मौजूद होना कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है और लोगों को सोचने में मजबूर कर रहा है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। और अगर आपके भी दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो देखिए, कंटिन्यू करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको रीज़न बताया है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हेमा मालिनी धर्मेंद्र की फर्स्ट वाइफ और उनके बच्चों के साथ जो भी फंक्शंस हो या उनसे कम इंटरेक्ट करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि धर्मेंद्र ने तो साफ कर दिया है कि वो शादी के सिवाय किसी अन्य रस्म या फंक्शन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्या हेमा मालिनी करण देओल की शादी में शरीक होंगी, ये सवाल भी उठता है। तो बता दूं और साथ ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दबी जुबान पे इस वक्त ये सवाल जो कि है, ये विषय बेसिकली चर्चा में है कि आखिर हेमा मालिनी ये फंक्शंस तो अटेंड नहीं कर रही है लेकिन शादी अटेंड करेंगी। मालूम हो कि करण देओल धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के पोते हैं करण देओल, और हेमा मालिनी ने हमेशा से ही धर्म जी की पहली फैमिली से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी है, चाहे सनी देओल हो या फिर बॉबी देओल। और प्रकाश कौर भी हेमा मालिनी बेहद कम ही उनके साथ नजर आती हैं। ऐसे में हेमा मालिनी के करण देओल की शादी में शरीक होने के चांसेस नहीं है। खैर आपको बता दें कि हम चांसेस भी अब नहीं ही बोल सकते क्योंकि हेमा मालिनी करण देओल की शादी में शामिल नहीं होंगी। वो करण देओल की रोका सेरेमनी और किसी भी प्री वेडिंग फंक्शन में भी नजर नहीं आई थी, जबकि धर्मेंद्र के कजिन से लेकर अभय देओल और परिवार के अन्य लोग इसका हिस्सा थे। हेमा मालिनी की बेटियां ईशा और आहना भी रोका सेरेमनी से दूर थी। हालांकि सनी देओल ने दोनों बहनों ईशा और आहना को शादी का निमंत्रण दिया था, पर हेमा मालिनी इस शादी का हिस्सा नहीं बनेंगी। मालूम हो कि सनी देओल और बॉबी देओल की मां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के रिश्ते की वजह से सनी और बॉबी देओल ईशा और आहना देओल की शादी में शामिल नहीं हुए थे। जहां ईशा देओल की शादी 2012 में हुई थी तो वहीं आहना ने 2014 में शादी की थी। बेशक धर्मेंद्र ने पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली थी और दोनों परिवार एक दूसरे की इज्जत करते हैं, पर हेमा मालिनी और प्रकाश कौर एक दूसरे से दूरी बनाए रखती हैं। हालांकि हेमा मालिनी प्रकाश कौर का बहुत सम्मान करती हैं। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल में धर्मेंद्र के साथ शादी और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ अपने रिश्ते पर बात की थी। हेमा मालिनी ने लिखा था कि वो कभी भी धर्मेंद्र की दूसरी फैमिली के घर नहीं गई क्योंकि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हेमा ने कहा था कि धर्मेंद्र से शादी से पहले कुछ इवेंट्स में प्रकाश कौर से मिली थी वो, पर शादी के बाद चेहरा तक नहीं देखा। हेमा ने आगे लिखा था, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो किया उसमें मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने एक पिता का रोल प्ले किया जो कि हर पिता करता है और मैं उससे काफी खुश हूँ। खैर आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।